और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपडेट यह है कि कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का आज सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट की कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है। आरोपी ने जो भी अभी तक सीबीआई को बताया वो सच था या झूठ, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है। कोर्ट में गई थी सीबीआई, इसकी परमिशन मिल गई है और जानकारी मिल रही है कि आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन कोर्ट से मिल गई है और यह जानने की कोशिश सीबीआई करेगी कि अब तक जो भी बातें आरोपी ने बताई है सीबीआई को वो सच थी या फिर उसकी मनगढ़ंत कहानियां और सीबीआई को बरगलाने की कोशिश, इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। कोलकाता मर्डर केस में सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को एक साइको एनालिसिस टेस्ट करवाया। सीबीआई सच सामने लाने के लिए संदीप घोष का भी वही टेस्ट करवा सकती है। आरोपी के मनोविज्ञान का टेस्ट इसलिए करवाया गया था कि ये सामने आए कि उस रात लेडी डॉक्टर से हैवानियत करने वाले आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट का रिजल्ट आने के बावजूद सीबीआई आरोपी के दिमाग से सच निकालने में नाकाम हो गई और इसीलिए अब जांच एजेंसी संजय रॉय का एक नया टेस्ट करवाने वाली है। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले की जांच में कहीं कोई सुराग या जानकारी छूट न जाए, इसके लिए सीबीआई डॉक्टर के परिवार, दोस्तों, ड्यूटी और अस्पताल से जुड़े एंगल की पड़ताल कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल से पूछताछ इस वक्त सीबीआई की जांच का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन संदीप घोष की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे, इसीलिए संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ लंबी खिंचती जा रही है। सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं देने से अब संदीप घोष भी शक के दायरे में आ चुके हैं। सोर्सेस के मुताबिक जरूरत पड़ने पर सीबीआई संदीप घोष का भी साइको एनालिसिस टेस्ट कर सकती है, क्योंकि संदीप घोष ने अब तक नहीं बताया है कि वारदात के बाद संदीप घोष ने जल्दबाजी में प्रिंसिपल पद से इस्तीफा क्यों दिया। क्या इस्तीफा देने के लिए किसी ने उन पर दबाव बनाया था? वारदात के बाद किन लोगों से बात की और घटना की जानकारी दी थी? बार बार नोटिस के बावजूद वो जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे? अस्पताल के डॉक्टर्स उन पर कई तरह के इल्जाम क्यों लगाते हैं और डॉक्टर्स के आरोपों पर खुद संदीप घोष का अपना पक्ष क्या है? इन्हीं सब सवालों का सही जवाब नहीं देने की वजह से संदीप घोष पर सीबीआई की जांच का फंदा कसता जा रहा है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंसान से, उससे हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में समझ आता है। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंड करता है कि हम डेवलपमेंटल असेसमेंट कर रहे हैं, मेंटल इवैल्यूएशन कर रहे हैं या पर्सनालिटी असेसमेंट्स कर रहे हैं। क्वेश्चंस के बेसिस पे हम इंसान की बुद्धि, समझ, उसका जो मनोविज्ञान है उसके थ्रू हम उसकी पर्सनालिटी इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें किसी भी इंसान को हम बेहोश नहीं करते, किसी भी इंसान को हमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ में क्वेश्चन सिंपल से होते हैं कि आपको ये एक्टिविटी देख के क्या फील हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आप बहुत टाइम से परेशान हो, क्या आपको लगता है कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए। हालांकि इन सवालों के बीच बीजेपी की तरफ से सांसद लॉकेट चटर्जी ने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया, कहा कि कॉलेज में न सिर्फ मानव अंगों की तस्करी बल्कि सेक्स रैकेट भी चलाया जा रहा था, जिसका पता ट्रेनी लेडी डॉक्टर को भी चल चुका था, इसीलिए डॉक्टर की हत्या की गई। कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा रैकेट चलता था, ऑर्गन भी यहाँ से मतलब दूसरा जगह में जाते थे, उसका भी रैकेट चल रहा था, डेड बॉडी को लेकर रैकेट चल रहा था, महिला को लेकर रैकेट चल रहा था। आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी बदला लेने के लिए, इस तरीके से अमानविक तरीके से निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी। ये तमाम आरोप सच है या नहीं, इसका पता लगाना सीबीआई की जिम्मेदारी है। इस बीच सीबीआई ने आज अदालत से रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की मंजूरी हासिल कर ली। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट करवाया, उसमें बताई बातें और आरोपी का पहले का बयान मेल नहीं खा रहा। सीबीआई को शक है कि आरोपी संजय कुछ न कुछ छिपा रहा है, इसीलिए अब असलियत उगलवाने के लिए आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। रिपोर्ट उनको देना वाला है 21 तारीख को हाईकोर्ट में। जब वो रिपोर्ट हाईकोर्ट में डालेंगे उसके बाद ही रिपोर्ट देख के, अब देखने के बाद मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ। संजय रॉय का भी साइको एनालिसिस टेस्ट हो रहा है? यस, जरूर होना चाहिए, संजय रॉय को होना चाहिए। उस दिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे सबके को ये पूछताछ करना चाहिए।
कोलकाता रेप मर्डर केस में हैवानियत के शिकार डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। हाथ, कंधे, घुटने पर चोट के निशान मिले, प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट के निशान थे। लेडी डॉक्टर की आंखों पर खून के धब्बे थे और डॉक्टर की दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि उसके जो शरीर पर जितनी भी चोटें हैं वो हत्या से पहले की चोटें हैं। उसके बाद उसका रेप किया गया और रेप करने के बाद उसका मुंह दबाया गया और मुंह दबा करके उसकी सांस रोकी गई, वो छटपटाई होगी, वो उसी हालत में छटपटा करके उसने दम तोड़ा है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है। और सांस घुटने से उसकी हत्या हुई और इसके बाद भी उसको ये तय करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि मर गई है कि नहीं, उसका गला दबाया गया और गला दबाने से उसके इतनी तेज गला दबाया गया कि जो थायराइड कार्टिलेज है वो टूट गया और इस तरीके से जो प्राइवेट पार्ट है उसके भीतर चोट लगी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।